कुछ बात स्वामी महाराज ने आज आपत्काल का प्रसंग समाप्त करके तो श्रद्धा का प्रसंग शुरू किया है। आपत्काल के अंतर्गत साक्ष्य में अंतिम दो दृष्टांत बहुत सुंदर हैं, स्मरण रखने योग्य। श्रद्धा की आज परिभाषा ही हुई है, श्रद्धा किसे कहा जाता है। श्रद्धा साक्षियों हमेशा किसी महान के प्रति ही हुआ करती है। वह गुणों में महान है, किसी भी प्रकार से महान है तो उसके प्रति श्रद्धा हुआ करती है। गुणों में महान हो सकता है, सत्ता में महान हो सकता है, पद प्रतिष्ठा में महान हो सकता है। बहरहाल मुख्यतः परमात्मा के प्रति श्रद्धा, संतों महात्माओं के प्रति श्रद्धा एवं शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा हुआ करती है। व्यक्तियों के प्रति इतनी नहीं, डॉक्टर पर विश्वास तो होता है लेकिन श्रद्धा नहीं होती, बैंक के मैनेजर पर विश्वास तो होता है लेकिन श्रद्धा नहीं होती, घर के नौकर पर विश्वास तो होता है लेकिन श्रद्धा नहीं होती। इस प्रकार विश्वास के पात्र तो अनेक हैं, उनके मोहर पर, उनके हस्ताक्षरों पर, उनके कहे पर भी विश्वास है। नौकर कुछ भी आपके सामने बना के रखता है, आप विश्वास से खा लेते हो लेकिन उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा सदा किसी महान के प्रति ही हुआ करती है, और महान या तो परमात्मा है या फिर संत महात्मा महान महापुरुष माने जाते हैं या शास्त्र महान है, इनके प्रति श्रद्धा, इनके प्रति प्रीति ये सत्य माने जाते हैं। सो इस सत्य के प्रति जो प्रीति हुआ करती है, जो धारणा हुआ करती है, उसे श्रद्धा कहा जाता है। मानो ये तीनों के तीनों ऐसा विश्वास दिलाने वाले हैं कि उस विश्वास के प्रति कभी शंका मन में नहीं होनी चाहिए। विश्वास अपने आप में बड़ा रूखा है लेकिन श्रद्धा बड़ी स्नेह भरी चीज है। श्रद्धा ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय के अंत में एक पंक्ति लिखी है, श्रद्धा बिना किए हुए सब शुभ कर्म व्यर्थ। मानो श्रद्धा को कितना उच्च स्थान दिया गया है। विशेषतः साधकों अध्यात्म में श्रद्धा बहुत उच्च चीज है, ये कभी डगमगानी नहीं चाहिए। श्रद्धा में कहीं भी शंका आ जाती है तो वह व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। सो श्रद्धा आपकी पक्की रहनी चाहिए, अटूट विश्वास, पूर्ण श्रद्धा रहनी चाहिए। आज साधकों एक पुजारी रोज गणपति भगवान की पूजा करता है, और गणपति भगवान के साथ ही मूषा भी चूहा भी होता है। सो दोनों की पूजा होती है, स्नान होते हैं, भोग लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, गणपति जी को भी लगाया जाता है तो मूषा को भी लगाया जाता है, भोग भी लगाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है इत्यादि इत्यादि। आज पुजारी के मन में लोभ जागृत हुआ है। जब लोभ जागृत हो जाता है तो श्रद्धा बिखर जाती है, स्पष्ट है, श्रद्धा नहीं रही। उन दोनों को बाजार ले गया है बेचने के लिए, सुनार के पास ले गया है, सुनार ने दोनों गणपति महाराज की एवं मूषा की कीमत एक जैसी कह दी, उनका वजन किया और वजन के अनुसार कहा कि दोनों की कीमत बराबर है। ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ, पुजारी ने कहा लाला ये क्या कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, भला भगवान का मूल्य और उनके एक छोटे से वाहन का मूल्य एक जैसा कैसे हो सकता है। सुनार लाला बहुत सुंदर उत्तर देता है, सबको हिला देने वाला। लाला कहता है ब्राह्मण देवता, श्रद्धा तो तभी तक थी जब आप
जब तक आप इन्हें बाजार में नहीं लेके आए थे। जब आप बाजार में लेके आ गए तो आपकी श्रद्धा कहां रही? अब तो ये धातु है और धातु का मूल्य बाजार के मूल्य के अनुसार। श्रद्धा तो तब तक थी जब तक मंदिर में आप इनको पूज्य मान के तो इनकी पूजा करते थे। तब तक एक गणपति थे एक चूहा, यहां तो दोनों बराबर। बाजार में आ गए, आपकी श्रद्धा डगमगा गई, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई, तो कितना प्रताप है श्रद्धा का। इसलिए साथियों, ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ऊंची चीज है। ज्ञान अर्थात जानकारी, जानकारी परमात्मा के बारे में। वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वत्र विद्यमान है, वह सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, वह दयालु है, वह कृपालु है, वह करुणा वर्णालय है, वह करुणा का सागर है, वह करुणा निधान है, वह करुणा निधि है, अतिशय प्रिय है, सबसे प्यार करने वाला है, लेकिन किसी से प्यार की अपेक्षा नहीं रखता, सबको देने वाला दाता शिरोमणि है, लेकिन किसी से थैंक्स किसी से धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखता, कभी जतलाता भी नहीं है, मैंने तुम्हें इतना दिया और तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, कभी जितलाता नहीं है। ये सब बातें जिसके बारे में पता लगती है साधकों, उसके लिए पूज्य भाव जागृत होता है। इस पूज्य भाव को ही श्रद्धा कहा जाता है। ये पूजनीय है, क्यों? इसके गुण बड़े विलक्षण है, ये गुण औरों में नहीं पाए जाते, इसीलिए ये विलक्षण है। वह चाहे संत है, चाहे गुरु है, चाहे वह परमात्मा है, इसीलिए वह पूज्य हो जाता है। तो जानकारी ज्ञान हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? इसलिए कि उनके प्रति हमारे हृदय में पूज्य भाव पैदा हो, वह श्रद्धा पैदा हो। श्रद्धा नींव है, श्रद्धा विश्वास नींव है, जिस पर साधक अपना आलीशान महल खड़ा करता है, पक्का महल खड़ा करता है, साधना का महल। बिना श्रद्धा एवं विश्वास, जिनकी श्रद्धा विश्वास नित्य डामाडोल होते रहते हैं, उनका बनाया हुआ महल, उनका बनाया हुआ मकान भी ऐसे ही डामाडोल, ऐसे ही हिलता जुलता रहता है। क्यों? नींव ही ऐसी है, नींव ही हिलने जुलने वाली है। आज साधक जी, एक वृद्धा किसी महात्मा के पास गई है, चर्चा करते हैं, श्रद्धा की शुरू करते हैं, कल जारी रखेंगे, श्रद्धा जी भी जारी रखेंगे, हम भी श्रद्धा के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। एक वृद्धा भजन पाठ करना नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं, मानो कुछ भी नहीं जानती। मैं तो कहता हूं जो कुछ भी नहीं जानता बड़ी मौज है उसकी, जो कुछ नहीं जानता उसे समझाना बहुत आसान, या बहुत कुछ जानता है उसे भी समझाना बहुत आसान, लेकिन हम जैसे जो अल्पज्ञ हैं, जो थोड़ा जानने वाले हैं, थोड़ा ना जानने वाले हैं, इनको समझाना बहुत कठिन। क्यों कठिन? ये मानते ही नहीं है कि हम थोड़ा जानते हैं। थोड़ा जानने वाले अपने आप को सदा जानते हैं कि हम बहुत जानते हैं, इसलिए मानो और जानने की कोई गुंजाइश नहीं। ये वृद्धा कुछ नहीं जानती, बहुत सरल है, सीधी सादी है, लेकिन परमात्मा के लिए पिपासा तो हर एक के अंदर है। गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, दरिद्री है, कैसा भी है, पुण्य आत्मा है या पापी, पापी के अंदर भी, चोर के अंदर भी कहीं ना कहीं ये भाव होता है, मैं क्या कर रहा हूं, अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं, मुझे सुधरना चाहिए, मुझे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, मुझे भी परमात्मा की ओर लगना चाहिए। बदकिस्मती है कि मैं लग नहीं पाता, वह जिस स्मगलिंग के काम में लगा हुआ है, जिस हेराफेरी बेईमानी के काम में लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ रख, उसे उसे पैसा ही पैसा सब कुछ दिखाई देता है, चाहे किसी भी प्रकार से आए, उसके पास पैसा आना चाहिए। इसलिए इतना भरा कुकर्म जानता हुआ भी चोरी करना महापाप है, पाप है, फिर भी करता है, बेचारा लाचार है, विवश। आज वृद्धा के अंदर
परमात्मा प्राप्ति की जिज्ञासा है, पिपासा है। अतः किसी परमात्मा के प्यारे की खोज, जो बताए परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, इत्यादि इत्यादि। कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला मिले, कोई मेरा मार्गदर्शक बने, ताकि मैं उस मार्ग पर चल के तो उस मोक्ष महल के शिखर तक पहुंच सकूं, उस परमात्मा के घर के द्वार पर मैं पहुंच सकूं। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला मिलना चाहिए। आज एक संत महात्मा के पास पहुंच गए हैं, जाके अपनी जिज्ञासा प्रकट की, आंखों में आंसू है, मेरी जिंदगी की संध्या आ गई है, न जाने कब दीपक बुझ जाएगा, मेरे पास समय बहुत कम है। अतएव मुझे सरल सीधा साधा और जल्दी से काम करने वाला साधन बताना महाराज, मेरे पास बहुत समय कम है। काश बच्ची होती, उस वक्त आई हुई होती, तो मेरे आगे आयुध, अब मेरे पास कुछ नहीं है। जो सूर्य अस्त होने पर अपने घर से निकलेगा, वह कहां तक पहुंच सकता है? सूर्य उदय होते हुए मैं घर से निकली हुई होती, तो अंधकार होने तक मैं कहीं ना कहीं पहुंच गई होती। अब तो मेरे जीवन का सूर्य अस्त होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, मेरे पास बहुत समय कम है, मैं इस अंधेरे में नहीं चल पाऊंगी। ये जितना ही उजाला है उतना ही मेरे पास समय है, मेहरबानी करके कोई ऐसा साधन मुझे बताइएगा, ताकि जल्द से जल्द, शीघ्र अति शीघ्र मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकूं, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। महात्मा बहुत प्रभावित हुए हैं, इस वृद्धा की श्रद्धा को देखकर, इसके प्यार को देखकर, इसकी तड़प को देखकर, तड़प बहुत प्रभावित हुए हैं। पासी रखा हुआ एक गोल सा पत्थर था, उस गोल से पत्थर को अपने माथे से लगाया है, चूमा है, इत्यादि इत्यादि, बहुत श्रद्धा पूर्वक उस वृद्धा को दिया है। लो मां, ये गोल मटोल है, नाम दे दिया गोल मटोल गोपाल, इसे ले जा, पुत्र की तरह इसकी पालना करना, पुत्र की तरह पालना करते करते एक ना एक दिन ये गोपाल की तरह पूज्य हो जाएगा। जा ले जा। श्रद्धा पूर्वक अपनी झोली में ऐसे करके तो उसे लिया है वृद्धा, अपनी छाती से लगा के, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगाती है, नन्हे मुन्ने को छाती से लगाती है, ऐसे ही उस नन्हे मुन्ने को अपनी छाती से लगा के घर ले आई है। पालना कोशिश अपने साथ सुलाती, एक छोटा सा तकिया बना लिया है उसके लिए, उस तकिए पर से रखती है, सुलाती है, स्वयं पहले जग जाती है। बच्चा है, इसे जल्दी नहीं जगाना चाहिए, सुना है बच्चे की नींद अधिक होती है। तैयार होके स्वयं कुछ खाने पीने को बना के तो उसे उठाती है, जगाती है, भाव देखिए, जगाती है उसे, हिला के, उठ गोल मटोल, उठ, उसका नाम गोल मटोल, उठ, जाग, सूर्य उदय हो गया है, जागने का समय हो गया है, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी जल्दी नहलाती है, धुलाती है, उसे तैयार करती है, टीका लगाती है, काला दाग लगाती है, मेरे गोल मटोल को किसी की नजर न लगे। पुत्र भाव, वात्सल्य उसके अंदर, ममता उसके अंदर इस प्रकार से जागृत होती है, उस पत्थर को काला टीका लगाती है कि मेरे पुत्र को किसी की काली नजर से, गंदी नजर से ना लग जाए। समय बीतता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है, प्यार में पूज्य भाव आ गया है, अब गोलमटोल गोपाल हो गया है। वाह मेरे गोपाल, अब पुत्र की तरह भोग नहीं लगाया जाता, अब परमात्मा की तरह, परमात्मा रूपी पुत्र को भोग लगाया जाता है, ऐसे भोग लगाती है, ऐसे वह तैयार करती है, ऐसे सब कुछ उसके साथ करती है, कब खिलाना है, कब पिलाना है, अब
खाना इत्यादि बड़े पवित्रता पूर्वक बनना शुरू हो गया है, जैसे परमात्मा को भोग लगाया जाता है। बच्चों के लिए तो खाना इस प्रकार से नहीं बनाया जाता, हाँ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन वह पवित्रता तो जब भोग लगाने का भाव आता है तभी जिंदगी में आती है। इस विद्या के अंदर इस प्रकार का भाव सदक्षिणों आ गया है। श्रद्धा ने उस विद्या को कहां से कहां पहुंचा दिया है। बच्चे मजाक करते, अड़ोसी पड़ोसी महिलाएं हैं वे भी, कहो दादी गोलमटोल कैसा है, कहो नानी गोलमटोल कैसा है, गोलमटोल को संभाल के रखना, सुना है गांव में एक भेड़िया आ गया है, बच्चों को उठा के लेके जाता है। ओ मेरे राम, इतनी सुनने की बात थी। और वृद्धा की समझो कि जैसी जान निकल जाती है ऐसी हालत हो गई। दिन भर अपने बाल गोपाल की सेवा करती है, निश्चिंत कोई बात नहीं, मैं जाग रही हूं, मेरे होते हुए तो भेड़िया अंदर नहीं आ सकता, रात को आ सकता है जब मैं सोती हूं, आसी सोना बंद। द्वार पर बैठ के पहरा देने लग गई है वृद्धा। एक दिन व्यतीत हुआ, दो रात, तीसरी रात, चौथी रात, कहां तक भगवान इंतजार करते हैं, आज सामने से प्रकाश पुंज आ रहा है। वृद्धा बेचारी को नहीं पता भेड़िया कैसा होता है, वृद्धा बेचारी को नहीं पता भगवान कैसे होते हैं। अतः उसे कहा, जो भी तू है वहां पर रुक जा, तू भेड़िया ही है, भेड़िया जैसा ही लगता है, रुक जा, मेरा लल्ला आराम कर रहा है, मेरा लल्ला सो रहा है, रोशनी हो जाए तब आना, इस वक्त आएगा तो मेरे लल्ले को डिस्टर्बेंस होगी। मां मैं ही तेरा लल्ला हूं, मैं ही तेरा लल्ला हूं, मैं ही तेरा कोल बटोल गोपाल हूं, मैं ही वह हूं जिसका तू लालन पालन करती रही है, मैं ही वही हूं जिसको आजकल तू भोग लगाती है। क्या प्रमाण है, बिल्कुल पास आ गए, मां मैं तुम्हें लेने आया हूं, चल अपने गोल मटोल को लेके तो मेरे साथ चल। वृद्धा पूछती है, तुम जो भी हो एक बात बताओ, जहां ले जा रहे हो वहां भेड़िया तो नहीं होगा ना, मेरे लल्ले को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना वहां पर। परमात्मा को पा गई, परमात्मा के लोक को पा गई वृद्धा, एक श्रद्धा के आधार पर और कुछ ना जानने वाली, मात्र एक गुण, एक श्रद्धा के आधार पर उस परमेश्वर को पा गई। इतनी महत्वपूर्ण है देवियों सज्जनों, हमारे जिंदगी में श्रद्धा। कल जारी रखेंगे इस चर्चा को, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।